हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद विद आर एस एम एम एंड हियर आई बैक अनदर वीडियो रिविजन टुडे वी आर गोइंग टू हैव डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एस वाई बी कॉम सेमेस्टर थ्री एंड वी विल बी डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट एम ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स सो दैट आपका जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज क्लियर हो जाए उससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है उसका बेनिफिट ये होगा कि अगले बार जब मैं पार्ट टू डालूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप एक भी वीडियो मिस ना करें इसके लिए आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो स्टार्ट करते हैं आज का एम का फर्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से रिलेटेड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट या बैलेंस शीट तो जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं कहाँ पे डेबिट किए जाते हैं तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं और जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं दैट इज बीन रिकॉर्डेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्टनर टेक्स ओवर अ लाइबिलिटी हिज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड क्रेडिटेड इग्नोर्ड या नो चेंज इन दैपिटल जब कोई भी पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होता है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है तो ध्यान रखना है पार्टनर टेक्स ओवर अ लाइबिलिटी हिज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं न्यू पार्टनर इज एंटाइटल टू गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन डैश एडमिशन पीरियड ओनली तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन का कंसेप्ट है जब कोई भी पार्टनर बिजनेस में स्टार्टिंग डेट को आता है तो कोई इश्यू नहीं है सारा प्रॉफिट सभी लोगों को मिलता है लेकिन जब कोई भी पार्टनर बिजनेस में इन बिटवीन द ईयर आता है तो समझो एक पार्टनर बिजनेस में फर्स्ट जुलाई को आया और हमारा जो स्टार्टिंग डेट था दैट वाज फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी मार्च तो अप्रैल में ये दो महीने का प्रॉफिट नए पार्टनर को नहीं मिलेगा तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम प्री एडमिशन और पोस्ट एडमिशन कहते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है कि न्यू पार्टनर जो आएगा बिजनेस में उसको कौन से शेयर में प्रॉफिट मिलेगा तो प्री एडमिशन में तो नहीं मिलेगा क्योंकि उस टाइम पे तो वो बिजनेस में था ही नहीं तो कौन से शेयर कौन से प्रॉफिट में उसको शेयर मिलेगा पोस्ट एडमिशन में मिलेगा तो राइट आंसर है पोस्ट एडमिशन पीरियड ओनली क्वेश्चन नंबर फोर डीसीज पार्टनर्स अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट एग्जीक्यूटर्स अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट तो जो भी आपका डीसीस पार्टनर है उसका बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होता है उसका बैलेंस ट्रांसफ़र होता है एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मशीनरी अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट ध्यान रखना वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं गेन रेशियो इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है गेन रेशियो का क्या फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो या न्यू रेशो माइनस गेंद रेशो तो गेंद रेशियो का फार्मूला काफ़ी सिंपल है फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो गेंद रेशो क्या होता है जब कोई भी पार्टनर बिजनेस से छोड़ के चले जाता है दैट मीन्स रिटायरमेंट या किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो ओल्ड पार्टनर्स को उनका बेनिफिट मिल जाता है दैट इज़ कॉल्ड गेंद रेशो तो फार्मूला क्या बनेगा न्यू रेशो में से अगर हम ओल्ड रेशो को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा गेन रेशो नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आर शोन ऑन द डैश साइड ऑफ द बैलेंस शीट डैशी लाइबिलिटीज डेबिट या क्रेडिट देखो अगर सिंपल तरीके से इसका आंसर देखें तो डेबिट क्रेडिट ऐसा तो कोई ऑप्शन इसका राइट right आंसर है नहीं तो इसका राइट आंसर आइदर असेट्स या लाइबिलिटीज है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अगर हमको इनकम एडवांस में मिला है तो वो हमारे लिए असेट्स नहीं है वो हमारे लिए लाइबिलिटीज है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस तो दैट विल बी कंसिडर एज द लाइबिलिटीज तो लाइबिलिटी साइड में ये लिखा जाता है बैलेंस शीट के क्वेश्चन नंबर एट द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स कांस्टेंट अंडर डैश कैपिटल मेथड तो आपने देखा होगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में दो टाइप के मेथड है एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड तो इन्होंने क्या पूछा है कि बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेंस कॉन्स्टेंट जहाँ कॉन्स्टेंट कौन से मेथड में रहेगा कॉन्स्टेंट कौन से मेथड में रहेगा कॉन्स्टेंट मतलब सेम कौन से मेथड में रहेगा फिक्स कैपिटल मेथड में इट विल बी कॉन्स्टेंट तो आपको याद रखना है फिक्स कैपिटल मेथड इफ़ द फिक्स कैपिटल मैथड इज अडोप्टेड अगर हमने फिक्स कैपिटल मेथड एडॉप्ट किया तो नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स तो नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा अगर हमने फिक्स कैपिटल मेथड एडॉप्ट किया तो करंट अकाउंट कैपिटल बैलेंस शीट या ट्रेडिंग अकाउंट तो राइट right आंसर है इसका करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा तो अगर हमने फिक्स कैपिटल मेथड एडॉप्ट किया तो और हमने अगर हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मैथड एडॉप्ट किया तो सीधा कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं अ डैश पार्टनर इज वन हु कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल बट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस तो ऐसा कौन सा पार्टनर है जो कंट्रीब्यूट तो करता है कैपिटल लेकिन एक्टिव पार्ट बिजनेस में नहीं लेता नॉमिनल पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर एक्टिव पार्टनर या पार्टनर बाय एस्टॉपिल तो ऐसे पार्टनर को हम क्या कहते हैं ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर तो राइट right आंसर इसका है स्लीपिंग पार्टनर दैट इट फ्रॉम दिस वीडियो तो ये अगर आपको सेशन अच्छा लगा है पार्टनरशिप के जो एम थे उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो वीडियो को अभी लाइक like करे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आपको ये सेशन कैसे लगे हैं ताकि आपके सारे एम भी रिवाइज हो सके चैप्टर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाएंगे थैंक यू वेरी मच टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेज़ वर्क हार्डर बी स्मार्टर